हेलो दोस्तों, आइए आज की वीडियो में समझते हैं ऑल बी एट शब्द का हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग विद एग्जांपल। ऑल बी एट, ऑल बी एट का इंग्लिश में मीनिंग होता है ऑल दो, इवन दो। इसका हिंदी में मीनिंग है हालांकि, यद्यपि या भले ही। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। शी अग्री टू गो ऑल बी एट reluctantly। वह अनिच्छा से ही सही जाने के लिए तैयार हो गई। She agreed to go। वह जाने के लिए तैयार हो गई, albeit reluctantly, भले ही अनिच्छा से। reluctantly का मतलब होता है बिना मन से या फिर बिना इच्छा के कोई चीज़ करना, reluctantly। albeit का मतलब है भले ही या यद्यपि। तो इस वीडियो में इतना। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।